बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल में खुश आमदीद, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक टेस्ट लिया था असिस्टेंट का 16वां ग्रेड एंड लेबर ऑफिसर का, इसका भी 16वां ग्रेड था एंड लेबर इंस्पेक्टर का ये था जी 14वां ग्रेड। ठीक है, डिपार्टमेंट बहुत सारे थे जिसमें 2022 में ये पेपर हुआ। सवाल था जी, ऑन अ सर्टेन आइटम द पीस द प्राइस इज डिक्रीज टू 0.42 फ्रॉम 0.62, वट इज़ द एक्चुअल परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ए बी सी डी। सवाल वो कहता है कि जी प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गई है किसी भी आइटम की, किसी भी चीज़ की, तो उसकी आप हमने परसेंटेज निकालनी है कि ओरिजिनल एक्चुअल परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट की। अच्छा, जो आपसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे 2022 में होने वाले तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें तमाम डिपार्टमेंट के होने वाले पेपर मौजूद हैं। आप उनको देख के अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा हर डिपार्टमेंट की अलग अलग प्लेलिस्ट भी मौजूद है, आप वो भी वॉच करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और बहुत सारी कामयाबियां समेट सकते हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, हम लिखेंगे जी प्राइस डिक्रीज। डिक्रीज कितनी हुई है? 0.62 से 0.42 हुई है, तो ये इक्वल हो जाएगी 0.2। ठीक है, ये आ गया। तो हम डिस्काउंट जो परसेंटेज है, डिस्काउंट परसेंटेज वो कैसे निकलेगा? ये जो हमारा डिक्रीज है जितनी 2.2 हुई है और जो ओरिजिनल थी टोटल 0.62, तो जब ये परसेंटेज के लिए हम क्रॉस 100 करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 32 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना, कुछ हो गया, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम इसको लिख लेंगे, अप्रोक्सीमेट 32% ही लिखेंगे। ठीक है, तो जवाब कौन सा दुरुस्त है? बी वाला दुरुस्त है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मॉडल पेपर में दिया हुआ इस तरह का सवाल है। ये जो पेपर हुआ था, ये जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं पोस्ट, उनमें ये इक्वेशन, ये जो अमाउंट है ये इतनी नहीं थी। उनमें मैं आपको बता देता हूँ कितनी थी। उस हवाले से भी आप सॉल्व करेंगे तो फिर भी तकरीबन यही जवाब आएगा। उसमें था जी जो ओरिजिनल जो थी ना 0.62, इसकी जगह था 62.50 था, और जो 0.42 है इसकी जगह पे था 42.50। ठीक है, ये दो ओरिजिनल जो पेपर है उसमें ये था और मॉडल पेपर में यही दिया हुआ उन्होंने। ठीक है, उम्मीद है सवाल की समझ आ गई होगी। अगर कुछ स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको तफसील से जवाब दे दूंगा। मजीद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी सपोर्ट से मुझे मोटिवेशनल मिलता रहे और मैं आप लोगों की इसी तरह खिदमत करता रहूँ। अल्लाह आपको कामयाब करे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।